दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका आधार कार्ड आपके कौन से बैंक खाते के साथ लिंक है या आप कैसे पता कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ हमें उसी बैंक खाते में मिलता है जिस बैंक खाते में हमारा आधार कार्ड लिंक होता है और उसी बैंक खाते में हमारा सरकार की तरफ से पेमेंट भी आता है। सरकार सभी पेमेंट को DBT के माध्यम से पेमेंट करती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसके माध्यम से सरकार सभी योजना का पेमेंट आपके खाते में करती है, वह चाहे आपका गैस सब्सिडी का पैसा हो या फिर आपका किसान सम्मान निधि योजना हो या पेंशन का हो या फिर आपका स्कॉलरशिप का हो, सभी तरीके का पेमेंट करने के लिए सरकार यही प्रोसेस का इस्तेमाल करती है। इसमें सरकार की तरफ से आपके आधार कार्ड पर NPCI के सर्वर के माध्यम से पेमेंट किया जाता है और आपके आधार कार्ड से जो बैंक खाता लिंक होता है उससे ऑटोमेटिक उसी खाते में पेमेंट आ जाती है। लेकिन दोस्तों बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें इस तरीके से बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है या उनके खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं तो कौन से खाते में पेमेंट भेजा जा रहा है उन्हें पता भी नहीं लग पाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सरकार द्वारा जो पेमेंट आपको किया जाता है वो आपके कौन से बैंक खाते में आता है। सो गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आपके आधार कार्ड से आपका बैंक का कौन सा खाता लिंक है इसको पता करने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई एक ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर में आपको सर्च करना है uidai.gov.in या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट आप वहां से क्लिक करके आप आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। दोस्तों जब यहां से आप आ जाएंगे तो यहीं से आप आधार कार्ड पर करेक्शन कर सकते हैं और अपने आधार कार्ड को आप यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां से आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहां पर आधार सर्विस का, इस पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा, एवल आधार सर्विस। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा आधार लिंकिंग स्टेटस का, इस पर जस्ट दोस्तों आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप आधार लिंकिंग सर्विस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा, यहाँ पर बताया भी गया है आधार लिंकिंग स्टेटस इज फेस्ड फ्रॉम NPCI सर्वर। आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि NPCI सर्वर के माध्यम से ही आपको सरकार पेमेंट करती है। यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है या फिर आधार नंबर नहीं है तो यहाँ पर आप वर्चुअल ID भी डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को आपको फिल करना है और सेंड OTP पर क्लिक करना है। उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहेगा तो इस फैसिलिटी को आप यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे दोस्तों आप सेंड OTP पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको मैसेज आ जाएगा OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल। उसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है तो यहाँ पर आपको इंटर OTP ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहीं पर दोस्तों आपको अपना OTP डालना है और सबमिट कर देना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन यानी बधाई हो, योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, यानी दोस्तों आपका आधार कार्ड बैंक का मैपिंग यहाँ पर हो चुका है। आपका आधार कार्ड के साथ कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है यहाँ पर बताया जा रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नाम आ जाएगा कि कौन से आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट लिंक है, तो यहाँ पर उस बैंक का आपको नाम आ जाएगा और किस डेट को ये लिंक हुआ है उस डेट को भी आ जाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है एक्टिव का, तो यहाँ पर आपको एक्टिव ऑप्शन से ये समझना है कि आपके आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट जो लिंक है वो एक्टिव है। तो यहाँ से दोस्तों आपको पता चल जाता है कि आपके कौन से खाते में सरकार पैसा भेज रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक्टिव ना लिख के एरर आएगा तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके आधार कार्ड से जो बैंक अकाउंट लिंक है वो KYC नहीं हुआ है या फिर किसी रीजनवश वो बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया गया है, तो आपको अपने बैंक में जाकर उसको KYC करवा लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बता दें, जब से डिजिटल पेमेंट बैंक चालू हुआ है तो कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा है जहाँ पर लोग अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप सिम लेने जाते हैं और आपका वहाँ पर ऑटोमेटिकली अकाउंट ओपन कर दिया जाता है या फिर किसी रिटेलर के माध्यम से आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाता है, चाहे वो एयरटेल का हो चाहे आपका जियो पेमेंट बैंक का। तो ऐसे में आपके पुराने खाते में पेमेंट ना जाकर नए खाते में पेमेंट चली जाती है और उसके बारे में आपको पता नहीं रहता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप पता कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड से जो बैंक अकाउंट लिंक रहेगा तो कौन से खाते में पैसा जा रहा है या फिर सरकार कौन से खाते में आपके बैंक में पैसा भेज रही है।
आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करिए। अगर मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह नॉलेजेबल एंड यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।